हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज़ियाउल हसन और आप देख रहे हैं जेड हसन पोल्ट्री चैनल। मेरे कुछ फ्रेंड्स का कमेंट्स आया था कि फार्म के बारे में बताएं, मेरे फार्म के बारे में बताएं, क्या कैसे आपने क्या फार्म बनाया हुआ है, किस कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, बांस हैं, बल्ली हैं, क्या हैं। तो ये सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा चलो इस पर मैं कमेंट्स में कितना लिखें एक वीडियो छोटा सा बना देता हूँ। और कुछ कमेंट्स और भी आए थे मेरे फ्रेंड्स के कि आप फार्म के बारे में, आपका जो फार्म है उसके आसपास दिखाइए किस तरीके। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने फार्म ही दिखा देता हूँ आपको। मैं बता दूँ अपने फार्म के बारे में, मेरा जो ये पूरा कैंपस है ये पूरा मैंने रेंट पर लिया हुआ है, लीज़ पर लिया हुआ है। और जिनसे लीज पे लिया हुआ है बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो रेंट बाद में लेते हैं हमसे, पहले हम फार्मिंग कर लेते हैं उसके बाद लास्ट में वो हमसे रेंट लेते हैं, बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो भी हमारा कैंपस बना हुआ, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ फिर मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए जैसे जो मेरा फार्म बना हुआ है मैं वो दिखाता हूँ आपको, ये जो फार्म है ये उसका बना हुआ है, जो जैसे फूस पड़ता है ना, गोंदी है ये, गोंदी देखिए इस तरीके की मोटा सा एक वो होता है, गोंदी बोलते हैं इसको। तो ये गोंदी का बना हुआ है, कुछ फार्म जो होते हैं वो फूस के बने होते हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ फार्म जो होते हैं फूस के बने होते हैं। मैं एक सेकेंड, तो दोस्तों मैं बता रहा था कि फार्म जो ये देखिए ये होता है, ये मटेरियल होता है, देखिए आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस तरीके का ये होता है, ये गोंदी होती है देखिए, काफ़ी मोटी सी होती है। और एक चीज़ इसकी खासियत ये होती है कि ये जो है जब गर्मियाँ होती ना, गर्मियों में ये वैसी नहीं हो पाती है, ज़्यादा गर्म नहीं होती, ये थोड़ी कूल रहती है। देखिए ये इसका एक मोटाई होती है इसकी, देखिए काफ़ी मोटी परत होती है इसकी, तो ये गोंदी बोलते हैं। और फूस से ये बढ़िया भी रहती है और नहीं भी बढ़िया रहती, डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको मतलब अपने फार्म में लगवा रहे हैं। देखिए इतनी मोटाई होती है इसकी, ये गोंदी कहलाती है। और फूस तो आपने छप्पर देखा ही होगा, नॉर्मल जैसे गाँव में होता है छप्पर बना होता है, तो वो होता है ये गोंदी है देखिए, ठीक है भाइयों। इस तरीके से ये फार्म पूरा गोंदी से बना हुआ है और इसमें बांस का जो बम्बू होता है बोलते हैं इसे, देखिए ये यहाँ पे तो फट्टे लगे होते हैं और ये पूरा जो है बांस होता है इस तरीके से, ठीक है। पूरा कंप्लीट ये बांस का स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और ये देखिए यहाँ इसका फ्रंट है इस तरीके से, ये पूरा कम्प्लीटली बाँस का बना हुआ है। लेकिन आजकल जो फार्म जैसे बन रहे हैं वो ज़्यादातर देखिए जो एक्चुअली क्या है, देखिए पक्के फार्म बनने में दिक्कत क्या है, लोगों के पास पक्के फार्म के लिए इतना पैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें आप मान के चलिए अगर दो आप 150 स्क्वायर फीट लंबाई और 25 स्क्वायर फीट जो फ्रंट रखते हैं अगर आप, तो उस फार्म को बनाने में 4 से 5 लाख की कास्ट आ जाती है करीब करीब, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ये जो कच्चा फार्म होता है आप अगर 150 उसकी लंबाई और 25 फ्रंट रखते हैं आप, तो आप मान के चलिए उसका जो है आपको करीब करीब 100 लाख से 1.5 लाख या 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में लागत आ जाती है कच्चे फार्म में, ठीक है दोस्तों। तो लोग उसको प्रीफर करते हैं कि कम पैसों में जल्दी बन जाता है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उसको बनाने के बाद दिक्कत क्या आती है कि उसमें जो है बहुत जल्दी इनकी लाइफ नहीं होती है, 2 से 3 साल लाइफ होती है जो मुझे लगता है, जो मैंने एग्जामिन किया है इनकी जो लाइफ होती है 2 से 3 साल होती है। बाकी डिपेंड करता है कितना आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मेंटेन रखते हैं तो हो सकता है कुछ 1-8 साल और बढ़ जाएगी, बट ये इसका स्ट्रक्चर जो है नहीं टिक पाता है, मैंने देखा है। और अच्छे अच्छे फार्म देखें कि बहुत जल्दी एक आंधी में ही टूट जाते हैं, अगर एक पेड़ गिर गया तो पूरा तहस नहस हो जाता है। उसके अलावा जो है इनके जो जो बांस लगे होते हैं वो तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग उसका भी यूज़ करते हैं, जो बल्ली होती है बल्ली का भी यूज़ करते हैं। बल्ली जो होता है बांस से फिर भी बेहतर रहता है, जो मेरे फ्रेंड का एक फार्म अभी बनवाया है, मैं अगला वीडियो देखिए मैं टाइम निकाल के जाऊँगा वहाँ पर, तो मैं वो वीडियो बनाऊँगा फिर मैं उसमें दिखाऊँगा आपको कि उसमें मैंने जो है बांस का यूज़ बल्ली का जो यूज़ किया हुआ है उसके बारे में मैं आपको दिखाऊँगा। वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है और स्ट्रांग बना हुआ है। उसमें क्या होता है जो बीच का ये खम्भे लगे हुए हैं, जो मैन बीच के खम्भे होते हैं, ये सारे जो है उसके बने होते हैं, बांस के बने होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, ये जिस तरीके आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से ये दिक्कत क्या आती है, देखिए ये फार्म है ये बस तिरछा हो गया, आप देख रहे होंगे ये जो बांस लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ आप देखेंगे बिल्कुल सीधा है और इधर ये सब तिरछा होता जा रहा है, ये हवाएं चलती झोंका होता है और उसके बाद ये सब बांस बेकार हो जाते हैं। ये देखिए कितना मुड़ा हुआ है, तिरछा कितना है ये देखिए यहाँ से, ठीक है दोस्तों। और जितने भी बांस देखेंगे आप ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। आप देखेंगे ये देखिए अपनी जगह से भी हिला हुआ है, ठीक है,
तो इसको रिपेयर और रेगुलर रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मेरा सजेशन रहता है, अगर पैसा है तो आप पक्का फार्म बनाइए, कच्चा फार्म मत बनाइए। बाकी मैं फार्म आपको बाहर से इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ।